कैसे छोड़ी थी श्री कृष्ण की राधा ने पृथ्वी। दोस्तों, श्री राधा को लेकर आज समाज में सबसे ज्यादा झूठी दंत कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वक्त में श्री राधा दासी बनकर द्वारका में छिपकर रहने लगी, पर अपने ब्रज के श्याम को वहां द्वारकाधीश बना देखकर उदास श्री जी ने द्वारका के पास वन में श्री कृष्ण को अंतिम दर्शन देने हेतु बुलाया। वहां श्याम की बंसी सुनते हुए राधा जी ने माना शरीर छोड़ा व श्याम ने बंसी तोड़ दी। मूल प्रकृति आदि शक्ति श्री राधा के बारे में ऐसा कहना पाप है। श्री राधा के गोलोक लौटने का सच गर्ग संहिता बताती है। जब राधा कृष्ण के 100 सालों तक विरह का श्राप खत्म हो गया था, तो खुद श्री कृष्ण ब्रज लौटे। तब गोलोक से एक दिव्य रथ पृथ्वी पर आया था। गोपियां, नंद यशोदा जी, श्री राधा के माता पिता और सभी ब्रजवासी उस रथ पर चढ़े। अंत में राधे श्याम रथ पर विराजे। उन्हें लेकर ये रथ गोलोक में प्रवेश कर गया था, जहाँ सभी देवी देवताओं ने श्री राधे श्याम का भव्य स्वागत किया था। ऐसा था राधे श्याम का गोलोक गमन।